अब ये जयफोर्ट आ गए हैं, जयगढ़ फोर्ट, और ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में, टाइम बम। ओहो, उस समय टाइम बम थे इस तरीके के। तो अब हम खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं इस समय। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ को, और यहाँ पे जगह जगह पे आप देख रहे होंगे, कहीं हर जगह पे लोकेशन बनी हुई है जहाँ से आप जल महल को देख सकते हैं। यहाँ कई लोग रुक रुक के देख रहे हैं इस जगहों को। तो जैसा कि दोस्तों हम लास्ट टाइम में पहाड़ नदियों में गए थे, वहाँ पर हमने काफ़ी एडवेंचर किया था, और अब हम इस समय जयगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको पहले जयगढ़ का दिखाता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ में, और ये जयगढ़ का किला है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आज जयगढ़ देखते हैं। जयगढ़ के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सिर्फ एक आध घंटा ही हम यहाँ पे घूमेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे उतना ही दिखा पाऊँगा आपको। देखते हैं अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और बताता हूँ उसके बारे में भी आपको। तो हमारे पास इस समय कैश नहीं है, यहाँ टिकट में कैश मांग रहे हैं। हम जयफोर्ट में हैं, लग रहा बिना उसके जाना पड़ेगा यहाँ से। आमेर फोर्ट जाते हैं, अब कैश तो है नहीं फिलहाल, और ये ऑनलाइन ले नहीं रहे पेमेंट। आगे से 2 किलोमीटर है ये, अगर 3:30 बज रहे इस समय हम जाएंगे तो करीबन हमें 400-500 ऐसे बच जाएंगे। जैसा कि हम लोग कैश तो लाए नहीं थे, तो इसलिए दिनेश कहीं से कैश का अरेंज करने गया हुआ है, किसी से पेटीएम करके उससे कैश ले लेगा शायद, आई थिंक। तो देखते हैं कहां पर से कैसे जुगाड़ होता है, और फिर हम चलते हैं अंदर को। जयगढ़ 400 साल पुराना किला है, और इसकी नींव 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मानसिंह ने रखी थी, और सन 1726 में जय सिंह द्वितीय ने इसको पूरा बनवाया था और इसको तैयार करवाया था, और किले का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जयगढ़ के नाम से। पहले जयगढ़ देखते हैं, ये जयगढ़ एंट्री पॉइंट। जयगढ़ ये जयवर्ण है यार, ये जयवर्ण तोप यहाँ पे है, तो जयवर्ण तोप है इधर। वो सामने किले में एक जो वहाँ पे जेल हुआ करती थी, वहाँ कैदियों को रखा जाता था, जो दुश्मन सैनिक हुआ करते थे या जासूस हुआ करते थे उनको सबको वहीं रखा जाता था। सामने से एक जीप आ रही है, तो किलों में अभी भी लगता है जो पहले टाइम की जीप होती थी वो उनका यूज़ अभी भी किया जाता है। और इस जगह में जो है यहाँ के एरिया में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का भी शूटिंग हुई थी, जिसमें श्रीदेवी ने गाना गाया था, तो ना जा मेरे बादशाह करके, तो वो शूटिंग भी इसी जगह पे हुई थी। और इस एरिया को पूरा जेल टाइप में दिखाया गया था उस फिल्म में। इस किले को एक तरीके से डिफेंस के लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ पे जो भी युद्ध या जो भी सैनिकों के द्वारा वॉर के अभ्यास हैं उनको यहाँ पे किए जाते थे, और सैनिक भी यहाँ पे इस किले में रहते थे मोस्टली। जब भी दुश्मन द्वारा हमला किया जाता था तो राजा मानसिंह अपने महल आमेर फोर्ट को छोड़ के इस राजगढ़ किले में आते थे, क्योंकि एक तरीके से डिफेंस के लिए ही बनाया गया था। तो यहीं पर इस पूरे के पूरा जो सैनिक होते थे इसी किले में रहते थे। और तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, ये अष्ट धातु की जयवार तोप है, जो कि 35 किलोमीटर तक मार करती है, और ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। आप ये तोप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी तोप है। जयगढ़ फोर्ट, और ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में। हमें 40 हाथी कहते हैं, इसको चढ़ाने में लग जाते हैं ऊपर लाने में, क्योंकि इतनी आसानी से ये चढ़ नहीं सकती है। तो देखिए इसके कितने बड़े बड़े तो व्हील्स हैं, और तो
चौक भी काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी लोग लगते होंगे इसको ऊपर चढ़ाने में। ये एक कैनाल है जहाँ से फोर्ट में पानी आता है और यहाँ से मोटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी फोर्ट में आते हुए और फिर फिल्टर होकर स्टोर भी होता है। फोर्ट की जो दीवारों का एरिया है ये 3 किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है और इन दीवारों में कई तरीके के होल बने हुए हैं जिनका यूज़ अलग अलग तरीक़ों से लड़ाई में किया जाता था सैनिकों द्वारा, जैसे कि तीर चलाना, गोले दागना और उबलते हुए तेलों को इस किले से नीचे डालना ताकि कोई भी सैनिक या दुश्मन जो है वो ऊपर ना चढ़ सके। और इस एरिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में सैनिक भी खड़े हुआ करते थे, हर एक होल के साथ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे। साथ में यहाँ हॉर्स जो सवार थे यानी जो सैनिक थे वो भी पेट्रोलिंग किया करते थे यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट कोने में जो लाइन जारी है ये कनाल है, यहीं से पानी आगे जाके तीनों टैंकों में पानी स्टोर होता है। और अब हम जिस जगह पे चल रहे हैं ये स्टाफ के रूम बने हुए हैं इसके नीचे, तो यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उनके स्टाफ अभी भी यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ की साफ़ सफाई और बाकी मेंटेनेंस करते हैं वो इसी जगह पे रहते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ को रूम बने हुए हैं सबके लिए। बाकी जयगढ़ किला एक आपको तोप दिखेगी, यहाँ एक म्यूज़ियम है और साथ में किला है एक, वहीं किले की तरफ को देख रहे हैं कहीं से शॉर्टकट मिल जाए फटाफट जाएं नीचे उतर के क्या जाएं। अब इस फोर्ट में एक ऐसी जगह भी है जिसे मौत का कुआं कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी, तो मैं उसको दिखा नहीं पाऊँगा इस समय क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ऑलरेडी, तो हमें अभी काफ़ी चीज़ें भी देखनी है। तो अगर आप आए यहाँ कभी तो आप उसको ज़रूर देखें और वैसे बच्चों को ना दिखाए वो जगह क्योंकि थोड़ी ख़तरनाक जगह भी है, वो हॉन्टेड की जाती है तरीके से। तो हम बिल्कुल एंट्री गेट के आए हैं मैं म्यूज़ियम के साथ, और ये देखिए ऊँट, यहाँ ऊँट की भी सवारी होती है। तो अब हम चलते हैं म्यूज़ियम में, इधर जहाँ पे सारे हथियार वगैरह रखे हुए हैं वॉर के, और कभी पहले यहाँ पे सैनिक भी रहा करते थे इसी एरिया में जहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में जो भी हथियार हैं ये कुछ थोड़े बहुत ही हथियार हैं, बाकी जो यहाँ जो हथियार रखे गए हैं दिखाने के लिए वो सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में भेज दिए गए हैं मोस्टली। तो यहाँ पे कुछ ही हथियार हैं और ये जो हथियार हैं ये सारे के सारे वॉर या लड़ाई में जो भी है ये लड़े हुए हथियार हैं, यानी ये हथियारों का यूज़ इन वॉरों में किया गया हुआ है। जो थे उनके 1757 काल के तोपे हैं ये, और ये देखिए पिस्तौल, ये भी उन्हीं की पिस्तौलें हैं, 1750 के टाइम की हैं ये सब। मानसिंह जी के जो राजा थे जो यहाँ के उस समय के राजा थे ये उनके हैं। चलो और ये क्या है, ये है कवर, शस्त्र कवर है उनके पूरे, ढाल भी ढाल है, वो चीज़ें कवर है, हेलमेट है, हाँ हाथों में वो सब चीज़ें हैं। ये जो ढाल आप देख रहे हैं ये मगरमच्छ के चमड़े की बनी हुई ढाल है और इसमें किसी भी तेज तलवार या धार का कसर नहीं होता है और ना ही ये कटती है कभी ढाल। और साथ में आप देख रहे हैं धनुष, ये बांस के बना हुआ धनुष बाण है और इसके साथ चंद्रबाण है। अब हम जो देख रहे हैं ये है आर्मर, ये वो सैनिक पहनते थे जो युद्ध में फ्रंट लाइन में खड़े होते थे, ये उन सैनिकों को पहनाया जाता था ताकि उनमें किसी भी तलवार या धार का असर ना हो क्योंकि ये आर्मर किसी भी नॉर्मल तलवार से कटने वाला नहीं है। ये है कुल्हाड़ी या फरसा है, युद्ध में जब बंदूकें नहीं हुआ करती थी तब इन्हीं से युद्ध लड़ा जाता था उस टाइम पर। ये कुछ बंदूकें हैं जिनमें हाथी दांत का काम हुआ है और गोल्ड की पेंटिंग भी हुई है इनमें।
ये रानियों के लिए जो रॉयल लेडीज हुआ करती थी उनके डेकोरेटेड गन है, जो उस टाइम पर हंटिंग के लिए यूज किया जाता था इनको। ये जो छोटी बंदूकें आप देख रहे हैं, ये उस समय ये छोटी बंदूकें सैनिकों के पास हुआ करती। और जो ये कैनन है, इसे सिंह बाण कहा जाता है क्योंकि इसका मुंह आगे से सिंह की तरह है। ये है क्रिस तलवार और साथ में इनके हाथों के ग्लव्स हैं। और नीचे आप तोप देखेंगे, ये कुछ तलवारें हैं, ये अलग अलग धर्म की हैं। जैसे साइड वाली जो है सिख और हिंदू तलवारें हैं, और इसके बाद जो बीच में तलवारें हैं ये मुस्लिम तलवारें हैं, और बीच में जो है खांडा है। जब किसी जानवर की बलि दी जाती तो इस खांडे का यूज़ किया जाता था। और ऊपर वाली तलवार जो है ये कवच काटने की तलवार है, जिसे शोषण तलवार भी बोलते हैं। और ये है तोप के गोले, जवान जो तोप देखी थी आपने, ये उसके लिए बनाए गए गोले थे जिनको अभी तक यूज़ नहीं किया गया। और जो छोटे वाले हैं वो छर्रे टाइप के हैं, उनको युद्ध में यूज़ किया जाता था। और साथ में यहाँ पे और साथ में कई सारे तीर हैं जिन जो कि आगे इनके जहर लगाया जाता था उस समय। और आप बीच में देखेंगे दो चंद्र बाण हैं, जो बड़ा वाला है वो सिर काटने के लिए और जो छोटा वाला है वो आँखों पर अटैक करने के लिए था उस समय। टाइम बम, उस समय टाइम बम थे इस तरीके के। ये देखिए टाइम बम है उस टाइम के, और ये रॉकेट है। आइए अब हम चलते हैं महल की ओर। और ये जो पहला हिस्सा है ये सुभात निवास के नाम से है। इस जगह को राजा असेंबली हॉल की तरह यूज किया करते थे, और यहाँ पे राजा और उनकी सेनाओं द्वारा कई तरीके की मीटिंग की जाती थी। साथ में आपको यहाँ पे ऐसे कई चीज़ें दिखेंगे जो पहले के टाइम में यूज़ किया जाते थी, जैसे कि कूलर यहाँ पे पुराने टाइम का अभी भी रखा गया है, जो हाथों द्वारा चलाया जाता था। और दूसरा हाथी के ऊपर जो बैठने वाली सीट है, इसको रखा गया है, जो कि पहले के टाइम में यूज़ की जाती थी ये। और जो तीसरा है ये ढोल है, जिसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक जाती थी जब ये इसको बजाया जाता था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में, जिसका नाम खिलवती निवास है। और महल के इस हिस्से को सेनापति अपने सैनिकों के सीक्रेट बातों के लिए यूज़ किया करते थे। इसके आगे अब चलते हैं हम तीसरे हिस्से में, जो कि लक्ष्मी निवास के नाम से है। और इस निवास इस जगह पे राजा का बेडरूम और ड्राइंग रूम है। इस निवास स्थान के अंदर पालकी भी रखी हुई है, जो कि महारानियों को लाने ले जाने के लिए यूज़ की जाती थी। जब इस तीसरे हिस्से के हम आगे जाते हैं तो ये एक भूल भुलैया वाली जगह है, जो कि भूल भुलैया तरीके से बनाया गया हुआ है इसको। ये जो भूल भुलैया रास्ते हैं ये राजा और महारानियों के लिए बनाए गए थे, ताकि वो यहाँ से आ जा सके। नीचे वाले जो रास्ते हैं राजा जो थे वो उसमें जाया करते थे, और ऊपर इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें महारानी जाया करती थी। और इसमें एक खुला एरिया भी है जहाँ से सैनिकों की आवाजाही हुआ करती थी। अब हम जिस हिस्से में जा रहे हैं ये राजा के साथियों द्वारा यहाँ पे भोजन किया जाता था, एक तरीके भोजनालय कक्ष था। आप देखेंगे इसमें राजा और उनके सैनिकों उनके जो सरदार थे वो लोग यहाँ पे भोजन किया करते थे एक साथ। साथ में आप देखेंगे इसमें आमेर की वो जीवन शैली को भी दिखाया गया है, जैसे ये लोग रहते थे, जो इनकी वेशभूषा हुआ करती थी उस वेशभूषा में इनको दिखाया गया है, और जिस बर्तनों में खाते थे ये लोग, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। इसके नेक्स्ट में जब हम आते हैं तो इसके बगल में ही रसोई घर है, जहाँ पे कुक द्वारा और जो बाकी उनके और अन्य कार्य सेवादार थे उनके द्वारा यहाँ पे सारे मसाले वगैरह या खाना वाना जो भी था सब इसी जगह में बनते थे, आप यहाँ देखेंगे। और ये है पुराने टाइम का चूल्हा, यहाँ पे खाना पकाया जाता था। और ये कक्ष जो है ये महारानी और उनके जो सरदारों की पत्नियाँ थी वो सब यहाँ पे बैठ के खाना खाती थी, यानी एक तरीके से जो महिलाओं के लिए ही इस कक्ष को बनाया गया था, जहाँ पे वो लोग बैठ के खाना खाते थे। इसमें बीच में महारानी भी हैं, आप देख सकते हैं, बाकी उनके साथ में बैठे हुए सभी सरदारों की पत्नियाँ हैं।
अब हम चलते हैं बाहर की तरफ खजाने की खोज में। तो अब हम खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं इस समय, और खजाने में अगर दो चार बोरियां मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो नहीं है कहीं, यहाँ पानी की कनाल है जहाँ से पहाड़ों का पानी आता है, और ये तीनों टैंकों में स्टोर होता है। आपको टैंक दिखाई दे, ये है पहला टैंक, और ये काफ़ी गहरा है, 40 फीट डीप इसकी गहराई है। और इसके जस्ट पीछे ही एक सेकंड जो टैंक है वो है, जिसकी गहराई 52 फीट के करीबन है, जो कि 5 मंजिल के लगभग करीबन है। और इस टैंक के राइट साइड में तीसरा सबसे बड़ा जो टैंक है वो है। इन दोनों टैंकों के बाद इस तीसरे टैंक में आता है, जिसकी लंबाई 158 फीट है और 135 फीट वाइड है ये, और 40 फीट डीप है ये। जबकि साथ में इसमें कई सारी खिड़कियां भी बनी है इस जगह पे, ताकि जो पानी में स्मेल कभी ना आए, और पानी जो ठंडा रहता है वो इन्हीं खिड़कियों की वजह से रहता है इसमें, क्योंकि इन खिड़कियों से हवा पास होती रहती है, तो जिस वजह से ये पानी शुद्ध भी रहता है और ठंडा भी रहता है। और इस थर्ड टैंक में ये भी बताया जाता है कि इसके नीचे 20 फुट एक बड़ा तहखाना है, जहाँ पे खजाना रखा हुआ था पहले के टाइम में, और ये खजाना 1976 तक था यहाँ पे। उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चला कि इसमें खजाना है, तो उसने दिल्ली जयपुर के सारे हाईवे ब्लॉक कर दिए थे, और इस जगह की पूरी छानबीन की गई थी, और इस टैंक का जो पानी था वो सारा बाहर निकाला गया था, और जो खजाना था उसको ढूंढा गया था, जो इसके नीचे 20 फीट नीचे बना हुआ है, यानी इस तहखाने के जो नीचे 40 फीट डीप के नीचे जो 20 फीट बना हुआ है, वहाँ पर उस खजाने को ढूंढा गया था। ये उस टाइम की 1976 की बात है, पर इसके आगे का रिजल्ट किसी को नहीं पता कि इसमें क्या क्या मिला भी था या कुछ नहीं भी मिला था, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं किया गया इसके बारे में कुछ भी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जय फोर्ट से, क्योंकि हमने मोस्टली घूम लिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो पर खजाने की लोकेशन भी ढूंढ ली हमने, पर खजाना मिला नहीं है, क्योंकि हमें तैरना भी नहीं आता, पानी बहुत ज़्यादा उसमें। तो बाद में आके कभी तैरेंगे यहाँ पे, तब निकालेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से आमेर फोर्ट की तरफ को। जयगढ़ को हम पूरा नहीं देख पाए, इसको हमने हाफ ही देखा है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम इसके एक बार पूरा फिर से विजिट करेंगे एक बार, और इसको पूरा दिखाएंगे आपको तब। पर आप जब भी आएँ इसको एक बार पूरा देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी और भी जगहें हैं जहाँ देखनी चाहिए, और इसकी जो जो हिस्ट्री है वो आपको देखने में ही पता चल पाएंगी। ये काफ़ी बड़ा किला है, आप इतना बड़ा किला है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट आमेर फोर्ट वाले ब्लॉग में।